अपना कॉइन लॉन्च करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। सही मजा तब आता है जब इंडिया से सब लीगल, अमेरिका से सब लीगल, अलग अलग कंट्रियों से सब लीगल होकर पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाए, उसको मजा आता है सर। और ठीक है पब्लिक सर, लिस्टर बनने में मजा आता है। तो ठीक ये जो गिदड़ धमकियां ये लोग देते रहते हैं, उनको बोलो सर आप तैयार हो, हम भी तैयार हैं। तो सर मेरा एक सवाल अपनी तरफ से है। चलो चलो, ईहा कंपनी जो एड वगैरह देना चाहती है, उसका जो बोला था 30 मिलियन का करने का टारगेट है सर, जो वो तो माइनस ही हो रहा अरे यार मेहनत कभी नहीं होता, आपकी है। एक बार आईडी लग गई, इसमें जितने लोग आ गए, जब कंपनी के अंदर हमारा लोग पूरे हो जाएंगे, ऐड हमारी स्टार्ट हो जाएगी, देख लेना सभी के सभी लोग आएंगे 240 रुपए उठाने, क्योंकि केवाईसी सबकी हुई पड़ी है, सही है सर, सही है। तो केवाईसी सर सबकी हुई पड़ी है। जब आपको एक आवाज लगेगी कि आपकी यह सब सिस्टम ओके, दुनियादारी ओके, हम तैयार कर चुकी हैं, मंच तैयार कर चुकी हैं, उस तरीके को हम चाहे 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, आपको एक आपके कान में आवाज आए कि यहाँ पैसा दे रहा है, तो आप दुनियादारी छोड़ के 240 रुपए लेने आओगे। उनकी ठीक है बात कर सर, रहा हूं जिसकी केवाईसी हुई है, सिंगल पर्सन की। अब जिसकी टीम है कम से कम ज्यादा नहीं तो 100-200 लोगों की, वो तो सर सबसे पहले यहाँ पे आंखें गाड़े बैठा होगे नहीं कब ये बात स्टार्ट है होती है। और सर, मैं ये कह रहा मीटिंग में तो 1000 से ज्यादा तो लोग आते नहीं अपनी, यार कितनी मीटिंगें चल रही हैं पता है? मालूम है और मेरे ये को सर, क्यों एक क्यों ही क्यों मीटिंग नहीं में आप एक क्यों नहीं हम मीटिंग करवा रहा? मैं मेरी बात सुनिए, हम खुद चाहती हैं, मैं खुद मेरे दिल की मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद चाहता हूं कि 500-700 लोग हैं, सुनना पसंद करें, जो बोलना पसंद करें, जो सीखना पसंद करें, जो कंपनी के साथ खड़े होना पसंद करें। नहीं चाहिए भाई सर। मेरे को भीड़। नहीं सर, ये जो मीटिंग दे रहे हैं सब ये लीडर ही है, इसमें कोई मैं वही कह रहा दूसरा। हूं, इतने बहुत हैं भाई, सही मैंने में सही सेनापति हो, सही सैनिक हो, इतने बहुत हैं। और रही बात इतने इतने लोगों की, पहला मंच है जो आज जिस मंच पे आप बैठे हो, अभी भी 700 लोग, 800 लोग, 1000 लोग हैं। दूसरे मंच का नाम लो जिसके ऊपर 500 से ज्यादा लोग आते हो, 300 से ज्यादा लोग हो। सर कम से कम चार स्पेशल डे पांच को हजार आते छोड़कर, होंगे। स्पेशल अनाउंसमेंट को छोड़कर, स्पेशल डे को छोड़कर, दूसरा कोई आपके पास नाम नहीं है किसी भी टेलीग्राम का जिसका आप नाम ले दोगे कि सर इसका भी बहुत बड़ा है। और हम चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? क्योंकि सर एक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे मंच कम से कम कंपनी के, जैसा ये अपना चल रहा है, ऐसे मंच कंपनी का डेली पर डे 100 के करीब करीब सुबह मीटिंग हो, 100 दोपहर को 100 शाम को, तब जाकर हम लाखों लोगों को संभाल पाएंगे। एक मंच पे क्या कर पाएंगे सर? अभी यहां से बलबीर जी गए हैं, बहुत बढ़िया अपना उन्होंने मंच चला रखा है। हमारे यहाँ से राजस्थान से टीम निकली है, केरला से निकली है, उड़ीसा से निकली है, टाइगर टाइगर टीम निकला है। तो मैं आपको 50 ऐसे मंच दिखा देता हूँ जो इस मंच से निकल कर गए हैं, उनके ओनर भी यहाँ पर आती हैं, टीम अपना मैं भी उनको वहां पर जाता हूँ, हर जगह जगह पे। तो सही है, 50 मीटिंगें चलना अच्छी बात है या एक मीटिंग में 50 लोगों? ठीक है सर। तो हम चाहते हैं कि दोस्त सभी लोग अपनी अपनी मीटिंगें चलाएं, 100-100 लोग एक जगह पर आने की बजाय 50 लोग 100-100 के पास जाएंगे, तो हर रोज मैं कह रहा हूं यार लाखों लोगों तक तो आवाज पहुंचेगी, सबको मौका मिलना चाहिए। ठीक है सर, और रही बात दूसरे काम ये, पे कभी केरला से आवाज सुनने में मिलती है हम ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, यार जो 10 पढ़े जो लोग होते हैं ना, मैं कह रहा हूं 10 भी नहीं यार, जो जिसको नॉलेज नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसको नॉलेज नहीं है और दूसरे वाले पे उंगली बहुत अच्छी उठा लेता है, ठीक तो ये इन चीजों से नहीं घबराते भाई। वो उनको बोलो पंजाब वाले ऐसा करना चाहते हैं, पंजाब वाले नहीं बोलूंगा, पंजाब में कुछ एक एक आध परसेंट लोग होंगे, कोई बात नहीं, कर लें जो भी करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि भी सर, खटाने जब वाला भी दूसरी यही है। कंपनी में चले गए हैं वो ही बात करते हैं, उनको 2-4 हजार रुपया डेली का आता है, वो ही बात उठा रहे हैं सर, वो बोल रहे सबसे हैं हम पहले सब तो। मिलेंगे सर आपको यहाँ पर वही लोग, सबसे पहले मिलेंगे आपको यहाँ पर वही लोग जो ठीक है सर, ऐसी बातें करते हैं, वही बोलेंगे हाँ मैं तेरी अपलाइन तू मेरा डाउनलाइन, सही है बाद में ऐसी बातें होंगी। होने दो सेमिनार, चलने दो सिस्टम को, अगले महीने बढ़िया सेमिनार भी करेंगे, बढ़िया कोई टाइम डेट निकाल अपना कंपनी से मिलने जा रही है, जो सेमिनार होना था वो सेमिनार भी करने जा रहे हैं बहुत बढ़िया लेवल पे। सिस्टम को थोड़ा दौड़ लगाने दो थोड़ा सा, फिर देखना ये सभी लोग मिलेंगे आपको। सर, दौड़ तो लगेगी सर, जे ईहा थोड़ा सा हरकत में आए
सर बढ़िया सब आएगा, कॉन्फिडेंस। यहाँ अपना काम कर चुका है, अब पब्लिक हरकत में आए। आप लोग थोड़ा समझो कि कंपनी कहाँ क्या कर रही है और यहाँ को कैसे स्टार्ट करना है। इसमें सर 30 लाख कॉन्फिडेंस लोग मालिक है सर, एक आदमी की तरफ उंगली उठाने से कुछ नहीं होता। सर आपको भी मालूम है लॉकडाउन में से लोगों ने पैसा लगाया है इसमें सर, वो दिन कैसे निकाले हमको भी मालूम है यार मैं इस। समझ गया आपकी भावनाओं को, सब सब भावना से कदर करता हूँ यार। 10-10 रुपए वाली कंपनी आ गई थी, लाखों बनाकर चली गई, ये 2 साल से रुकी तो हुई है, आधे मिनट के लिए बंद भी तो नहीं हुई, लाखों यूरो के शेयर और लाखों क्वाइन भी तो मिल गए। सर ठीक है थोड़ा सुंदर जी, सा कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, टेंशन ना लो। ऐसे किधर धमकियां देने वाले लोग बहुत आते हैं यार, बहुत चले जाते हैं, तो उनको बोलिएगा कि एक मंच चल रहा है, नाम उनको सब पता है, बता दीजिएगा। ये तो ऑल ओवर इंडिया में, हर प्रदेश में नाम गूंज रहा है, तो अपने अपने प्रदेश में थोड़ा ऐसा होने देंगे? वो सर सुन भी रहे हैं सर, सुन रहे हैं तो फिर क्या हुआ, तभी तो मैं सुना रहा हूं उनको। मेरे को पता है कौन कौन है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बात करते हैं तो फिर बोलते हैं सर हम नहीं, हमारी टीम वाले हैं, हम नहीं, हमारी टीम वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आप तो बात करेंगे नहीं, वो आग आप मैं तो सामने आएंगे नहीं। कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सामने खड़े हैं ना भाई, टेंशन सही है सही। नहीं लेने किसी भी तरह से। ये बातें हैं, फालतू बातों में कोई दिलचस्पी ना मैं रखता हूं। और दूसरी बात ये भी है कि इन गिदड़ धमकियों से ना डरे हैं ना डरना है, क्योंकि हमारी कंपनी में पूरा दम है, सब तरह से लीगल है, इंटेलिजेंसी हमारी चेक कर गई, इससे बड़ी तो कोई दुनिया में कुछ है ही नहीं, जिसको हमारी इंडिया की इंटेलिजेंसी चेक कर जाए और वो चीज चलती रहे, तो इससे बड़ा तो ना ही तो मैं किसी को मानता हूं और ना ही मैं किसी से ठीक है सर, मैंने अब उनको कोई डॉक्यूमेंट कोई सेंड कर दिए हैं जो प्रूफ कंपनी के सभी लगे कोई हुए हैं। दिक्कत ठीक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उनको बोल दीजिएगा कि सपने लीजिए आप। ठीक थैंक यू है, सर, थैंक ओके यू दोस्त। ओके। ओके जी, 8:30 हो चुके हैं और बातें तो बहुत करनी थी, और बाकी ये छोटी छोटी बातें हर जगह पे नुक्कड़ पे बैठ के बड़ी से बड़ी बातें करने वाले, मुंह में बीड़ी लगी होती है और आराम से किसी नुक्कड़ में बैठे बोल रहे होते हैं, अरे यार इसको तो अकल नहीं है, अब सामने वाला क्या बोले है। तो ये बहुत तरह से दुनियादारी चलती है, तो किसी से भी घबराना नहीं है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो ये बाकी घबराने की जरूरत नहीं, दिल खोल के काम काज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर आपका। ओवर टू यू जी, विशेष सर, ममता जी और टीम ईगल। थैंक यू सर। ओके शुक्रिया सर। यहाँ पे हमारे अरविंद सर जी आए हैं, वेलकम अरविंद सर जी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड सभी दोस्तों मॉर्निंग को, उम्मीद है अच्छे से होंगे सर, सब खैरियत से भी होंगे। और नमस्कार दिनेश सर। और सर जो आपने अभी बात करी कि लोग तो सर गली नुक्कड़ कोने पे बैठ के सर सारा दिन ये कुछ लोग ताश खेलते हैं, कुछ लोग अपना एक पंचायत लगा के बैठते हैं और सारा दिन अपनी किस्मत को कोसना या सरकार को कोसना या लोगों को कोसना, ये सर चलता रहेगा। क्योंकि जिसने सॉरी जिसने कुछ नहीं करना उसके पास बहाने बहुत हैं, उसके पास बहाने बहुत हैं कि वो मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो कर नहीं सकता ये। लेकिन इसी कोरोना काल के अंदर में अगर देखा जाए बहुत सारे लोगों ने पैसे भी कमाए, इसी कोरोना काल ने बहुत सारे लोगों ने नई नई अपॉर्चुनिटियां भी देखी। लेकिन अभी जैसे आपने एक बात और बोली कि बाद में आने वाले बोलेंगे हाँ जी हम आपकी अपलाइन है, हम आपकी अपलाइन है, और वो चीज आने वाली है सर। ये ध्यान रखना उनके पासवर्ड और उनके भूले हुए होंगे आईडी पासवर्ड भूले हुए होंगे, उनको याद भी कराने पड़ेंगे आप लोगों को। और ये चीज जो है ये हमें फेस करनी पड़ेंगी थोड़े दिनों के बाद में। और अभी के लिए छोड़ो उन बातों को, जो नहीं आना चाहता भैया वेटिंग रूम में बैठा रहे। अभी आपसे जो रिक्वेस्ट की है उसको एक बार दोबारा से रिपीट करते हुए बोलूंगा कि दो दो बंदों को यार लाना है आपको। संडे को दोपहर का सेशन जो होगा वो हमारा सेलिब्रेशन सेशन जो है हम करना चाह रहे हैं, और आप सबका सहयोग चाहिए उसके अंदर में। दो नए ज्वाइनिंग्स चाहे वो फ्री वाली क्यों ना हो यार, लेकिन यहाँ पे लाके मीटिंग में बिठाएंगे। तो एक जो प्लान कर रहे हैं हम लोग डेली का, एक प्लान दोपहर की मीटिंग में प्लान होना चाहिए। वो प्लान होगा तो सबको ये पता लगेगा कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी
कंपनी का प्लान क्या है, तो ये चीज हमें रेगुलर बेसिस पे करनी है, ताकि जो नई जनरेशन होता ना,